हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो यूएई का 5 साल का वीजा चल रहा है मल्टीपल लॉन्ग टर्म, उसके बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये जो वीजा है 5 साल का, इसकी जो कॉस्ट है वो 660.29 दिरहम है। तो ये रफली हमें 14,300 इंडियन रुपीज का पड़ता है, और साथ में रफली आपको 2-2,500 की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आपने कितने दिन वहां पे रुकना है। तो ये और साथ में आपको होटल बुकिंग भी करवानी पड़ती है। तो ये रफली वीजा आपको कॉस्ट करता है 18,000 का। तो मेरी आपसे यही रिकमेंडेशन है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आप ये वीजा अभी बिल्कुल मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि मार्केट में पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है कि 5 साल का यूएई का मल्टीपल वीजा आप लीजिए। उसका रीजन ये है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूएई की वेबसाइट पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर हम आपकी फाइल एप्लीकेशन, वीजा एप्लीकेशन फाइल रिजेक्ट करते हैं तो आपको 500 दिराम हम वापस करेंगे, जो कि मेरे केस में मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया है। ये वीडियो लेट डालने का पर्पज सिर्फ इसलिए है कि मैं वेट कर रहा था कि शायद मेरे को वो रिफंड आ जाएंगे, और वो क्लियर कट लिखा हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी अभी जो इनके पोर्टल पे ले जाके कि 500 दिराम वापस होने हैं, पर वो मेरे को अभी नहीं वापस रहे हैं। और ये मैंने ओरिएंट की इंश्योरेंस कराई थी, ठीक है। तो बाकी यूए की अगर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड फेमस है कि यूए की रूल बड़े स्ट्रिक्ट है, पर आई एम रियली सॉरी टू से और शॉक्ड हूं मैं कि जो इन्होंने अपने लिखा हुआ है कि अगर हम वीजा रिफ्यूज करते हैं तो 500 दिराम वो मिलेंगे, तो आई होप वो मिलने चाहिए, क्योंकि जो आप कमिट कर रहे हो और वो भी रिटर्न में कमिट कर रहे हो, तो 100% वो कंप्लायंस एप्लीकेबल होना चाहिए। तो बाकी आप अभी हम चलते हैं। बाकी मैंने फॉलोअप भी बहुत किया था, ऐसा नहीं है, मैंने कम से कम 5-6 बार मेल की, जो आईसीए की सपोर्ट की मेल है कि जो इनकी वेबसाइट पे दी हुई है, बाकी जो नंबर दिए हुए हैं उस पर भी मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह किया, पर मेरे को कहीं किसी भी तरफ से किसी से भी सेटिस्फेक्टरी जवाब नहीं मिला, और ना ही अभी तक मेरा रिफंड आया है जो कि 500 दिरहम मुझे मिलने चाहिए थे। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपसे शेयर किया। बाकी आप अभी जो मैं आपको पोर्टल पे भी दिखा रहा हूँ, जो जो मैंने बोला है वो कैसे लिखा हुआ है, मैंने 21 तारीख को अपनी फाइल, सॉरी 20 दिसंबर को फाइल, 20 या 21 को, मैं अभी दिखा दूंगा आपको, फाइल सबमिट की थी, और शाम को और सुबह साथ के साथ ही मुझे मैसेज आ गया था कि लिखा आ गया था रिजेक्शन टू रिसीव कि हम आपकी फाइल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो जब एक्सेप्ट नहीं कर रहे भाई साहब, तो मेरे को 500 दिराम तो कम से कम वापस करो ना यार। तो यही मेरा कंसर्न है, यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि अगर आप ये वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो ये मान के चलिए 18,000 18,000 आपके कम से कम बर्बाद होंगे। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, जो मेन चीज मैं आपको दिखाना चाहता था कि जब ये आप फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं, फाइनली आपने सारा फॉर्म भर लिया और उसके बाद आप एप्लीकेशन फीस पे कर रहे हैं ये 5 साल के मल्टीपल वीजा के लिए, तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये देखिए, रिफंड अमाउंट इन द केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन 500 AED, रिफंड अमाउंट इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन 0.00। अब इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर हम रिफंड करेंगे 500 दिराम अगर आपकी हम फाइल रिजेक्ट करते हैं, ओके, और अगर आपकी फाइल हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम कोई पैसा वापस नहीं करेंगे। तो ठीक है, हमें ये चीज समझ आती है कि आपने हमारी फाइल एक्सेप्ट कर ली, हमारा वीजा लगा दिया, तो हमें समझ आ रहा है। पर मेरे केस में तो क्लियर कट लिखा हुआ है ना, फाइल रिजेक्टेड टू रिसीव, तो उसका मतलब ही यही है कि आपने फाइल ली नहीं, तो आप मेरे को 500 दिरहम वापस करो ना। तो वो अभी तक मेरे पास आई नहीं है और ना ही कोई कम्युनिकेशन आया। और फ्रेंड्स, इस चीज के लिए मैंने इनके कॉल सेंटर पे, इनके जितने भी मेल आईडी थे सब पे मेल डाली है, और कम से कम मेरे को, मैंने हफ्ता 10 दिन फॉलोअप किया है पर कोई रिप्लाई नहीं आया। सो इट्स टू बैड। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एप्लीकेशन ट्रैकिंग जो इनकी आईसीए की स्मार्ट सर्विसेज की साइट है उन पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, ठीक है, तो ये मेरा एप्लीकेशन नंबर डाला और नीचे साथ के साथ
रिजल्ट आ जाता है। ये देखिए मल्टीपल वीज़ा एंट्री लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स, एप्लीकेशन फीस 620.29 AD, एक्सेप्ट नंबर ये आ गया, डेट और रिक्वेस्ट मैंने 20 तारीख को 20 दिसंबर को शाम को 4 बजे ये अप्लाई किया था। और देखिए इसका रीज़न क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट एक्शन रिजेक्टेड टू रिसीव। रिजेक्टेड टू रिसीव का मतलब है कि वो फाइल ले नहीं रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। और ये मेरे पास रिप्लाई कब आ गया था, 21 तारीख को सुबह 8:46 पे, मतलब 20 तारीख को शाम को मैंने 4 बजे अप्लाई किया और सुबह जैसे ही मतलब वो अपने ऑफिस आए उन्होंने साथ की था रिजेक्ट मार दिया कि रिजेक्टेड टू रिसीव, कि हम फाइल रिसीव ही नहीं कर रहे। और आगे रिक्वेस्ट एक्शन सबमिटेड ट्रांजेक्शन डेट ये आ रही है अब।